हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नितेश, वेलकम बैक टू कंट्रोल जी। तो आज हम फोटोशॉप की बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इस कंडेंसर माइक की बात जिसका नाम है माउनो AU-A03। बहुत दिन से मैं देख रहा था जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है मेरे पुराने माइक से, जो कि था मेरा बोया का BY-M1 माइक, जो कि एक कॉलर माइक है। ये रहा मेरा बोया का BY-M1 माइक, इसको मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ता था, उसके बाद मैं आपसे बात करता था। इसका थोड़ा वायर वगैरह का इशू था, तो मैंने सोचा थोड़ा नया माइक ले लेते हैं जो स्टैंड पे भी रहे और मुझे कॉलर में लगाना भी ना पड़े। तो मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें मैंने माउनो का AU-A03 फाइनल कर लिया। इसका जो MRP है वो है 499,500 और मुझे ये जो डील पड़ी है ये पड़ी है 1800 में। 1800 में मुझे ये माइक मिल गया, तो ये इतनी अच्छी डील थी, तो मैंने इसको फटाफट ऑर्डर किया और मंगा लिया। तो आज की जो वीडियो आप देख रहे हो ये है छोटी सी एक अनबॉक्सिंग। वैसे तो मेरा अनबॉक्सिंग का चैनल है नहीं, बट मैंने छोटी सी अनबॉक्सिंग इसकी बनाई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा माउनो AU-A03 का माइक्रोफोन किट का बॉक्स, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। बैक साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे माइक्रोफोन को सेट करना है, साइड में सारी चीज़ें दी हुई है जो जो कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब इसको फटाफट से हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखी है वो है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि कैसे आपको माइक्रोफोन असेंबल करना है, क्या क्या कंपोनेंट्स के नाम है। नेक्स्ट है फीडबैक कार्ड। अगर आपको फीडबैक देना है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं, उसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी विंड फोम कैप। इससे क्या होता है, अगर आपके रूम में फ़ैन वगैरह चल रहा है तो उसकी आवाज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर भी जो पॉप साउंड होती है आप मुंह से निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है, इसको भी हम अब साइड में रख लेते हैं। अब नीचे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये रहा पूरा का पूरा सेट। तो सबसे पहली चीज़ है शॉक माउंट। शॉक माउंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का शॉक माउंट लग रहा है ये। और इसमें क्या होता है, आप अपना माइक सेट कर सकते हो। इन दोनों हैंडल को पकड़ के आपको प्रेस करना है, दबाना है और इसके अंदर अपना माइक सेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वायर, ठीक है, माइक्रोफोन केबल। ये पूरा केबल है जो आप अपने माइक से लेकर अपने PC, लैपटॉप, फ़ोन या फिर कैमरा में कनेक्ट कर सकते हो। इस साइड को आपको माइक्रोफोन की बैक साइड पे लगाना है और ये अपने कैमरा में या फिर CPU में लगाना है, इसको साइड में रखते हैं। और ये है वाई अडाप्टर। वाई अडाप्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने माइक्रोफोन को लैपटॉप से या फिर फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल क्लैंप। टेबल क्लैंप को आप अपनी टेबल पे लगा सकते हो और फिर उसके ऊपर आप माइक्रोफोन का स्टैंड लगा सकते हो, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं केबल स्ट्रिप। आप अपने केबल्स को किसी भी स्टैंड पे या फिर कहीं पे भी अच्छे से सेट कर सकते हो उसकी हेल्प से। और अब अपना स्टैंड निकाल लेते हैं, थोड़ा आराम से निकाल लेते हैं, काफ़ी हैवी सा लग रहा है, इसको एक बार निकाल लेते हैं आराम से। और ज़्यादा हैवी तो नहीं है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है और बहुत छोटा भी नहीं है, काफ़ी सही इसकी लेंथ है या फिर हाइट कहो, काफ़ी सही है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, इसको भी एक बार साइड में रख लेते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा माउनो का AU-A03 माइक्रोफोन, जो कि काफ़ी सही दिख रहा है। इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे एक मैट फिनिश जैसा फील आ रहा है इसको देख के कि मैट फिनिश की हुई है इस पर। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब लास्ट में ये क्या चीज़ है, इसको कहाँ माइक में लगाऊँ, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। आई होप आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, मैंने छोटी सी एक अनबॉक्सिंग बनाने की कोशिश की थी। और इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो देखी थी उसमें लोगों ने बोला था कि ये जो माइक है ये डायरेक्ट आप लैपटॉप या फ़ोन पर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उससे आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। मुझे तो कोई इशू हुआ नहीं आउटपुट को लेकर, जो मुझे आवाज़ आ रही है मुझे तो काफ़ी सही आवाज़ आ रही है, और आपको भी सुनाई दे रही होगी कैसी आवाज़ आ रही है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अब बाय।